तस्वीर नंबर एक, तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर तीन, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? ये तस्वीरें देश की मान को कितना बढ़ा रही हैं? इन तस्वीरों के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतंत्र का गला घोटे जाने का आरोप लगा है। इन तस्वीरों को पहलवान साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों पर कैसे बर्बरता दिखा रही है। दिल्ली पुलिस की असल कहानी कहती इन तस्वीरों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें विदेशों से मेडल लाते वक्त साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को तिरंगा लहराते हुए और दिल्ली के जंतर मंतर पर उनकी स्थिति को दिखा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कुछ शब्द भी लिखे हैं, सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला करता दिख रहा है। राहुल गांधी ने लिखा है, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। इतना ही नहीं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की तस्वीरें साझा की हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं, उन मेडलों से खिलाड़ियों की मेहनत और देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज़ों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है, पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। महिला पहलवानों के इस हालात पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कन्हैया कुमार ने इसे नई संसद के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाए जाने और महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस के इस बर्ताव पर तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने लिखा है, सत्य और अहिंसा को असत्य और हिंसा की ओर ले जाने वालों ने आज एक साथ महामहिम राष्ट्रपति और मेडल लाने वाली बेटी दोनों को अपमानित किया है। लोकतंत्र से लाठी तंत्र में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों को महापंचायत से रोकने की मकसद से न केवल उनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया, बल्कि उन्हें हिरासत में भी लिया। इस पूरी गतिविधि के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो लोकतंत्र की तस्वीरें तो वाकई नहीं हो सकती, क्योंकि महीने भर से ऊपर से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार पर आरोप है कि इन्होंने इस मामले में पहलवानों की सुधि नहीं ली। अगर वक्त रहते केंद्र सरकार ने इनकी सुध ले ली होती तो शायद दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जो कुछ घटा वो नहीं होता। साथ ही केंद्र सरकार कांग्रेस के निशाने पर भी आने से बच जाती। बहरहाल पहलवानों के इस प्रदर्शन का भविष्य क्या होगा, जैसी स्थिति है उसे देखकर फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।